आस्था क्या हुआ? मुझे यहाँ पर देख के तुम्हारे होश उड़ गए या फिर तुम पर बिजली गिर गई? लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं एक अच्छा दोस्त होने का सारा फर्ज निभाऊंगा, तुम्हारे लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढूंगा, तुम्हारी शादी करवाऊंगा और फिर तुम्हारी शादी में डांस भी करूंगा। प्यार सिर्फ एक बार होता है और वो मैं कर चुकी हूँ। आसमान, कितनी देर लगा दी, मैं कब से वेट कर रही हूँ। सॉरी बाबा। कहाँ रह गए थे? वो करी। अब समझ में आया, कंपाउंडर पेशेंट को दवाई खिला रहा होगा। तुम नाराज हो गई क्या? आसमान, मुझे एक बात समझ में नहीं आती, तुम हो तो दिल के डॉक्टर, तुम्हारा करिश्मा से क्या काम? मतलब कि तुम दिल के डॉक्टर हो और करिश्मा, करिश्मा दिमाग की मरीज है, पागल है वो। तुम एक काम करो, तुम ना उसे किसी दिमाग के डॉक्टर के पास भेज दो, उसका इलाज तुम्हारे बस की बात नहीं है। पता है आस्था, जब तुम करिश्मा से जेलस होती हो ना तो तुम बहुत अच्छी लगती हो। हेलो, मैं ऑलरेडी ना बहुत गुस्से में हूँ, मुझे और गुस्सा मत दिलाओ। आस्था श्रीवास्तव और उस करिश्मा से जेलस, तुम पागल वागल तो नहीं हो गए हो ना? ओके बाबा ओके। ये वही गार्डन है ना जहाँ तुम उसके साथ बैठ के आइसक्रीम खा रहे थे? आस्था वो क्या, इतना तो कमाई लेते हो कि कभी मुझे भी आइसक्रीम खिला दो। पर नहीं, इतने भी कंजूस हो ना तो कोई बात नहीं, मैं अपने पैसे से आइसक्रीम खाऊंगी। अरे बाबा सुनो तो सही, ये आइसक्रीम क्या चीज है? मैं तो तुम्हें दुनिया की सारी चीजें खिला दूं, तुम एक बार कहो तो सही। पहले आइसक्रीम से ही शुरू कर। वैसे आस्था, तुम्हारे गर्म दिमाग के लिए आइसक्रीम बहुत जरूरी है, वो क्या है कि थोड़ा ठंडा हो जाएगा और हाँ, तुम्हारा जो ये चिल्लाना है ना वो भी थोड़ा कम हो जाएगा। मैं चिल्लाती हूँ। आसमान तुम पे कब चिल्लाया था? अरे यार तुम तो सीरियस हो गई, मैं तो मजाक कर रहा था। और वैसे भी जब तुम चिल्लाती हो ना तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई परी गाना गा रही। तुम मेरी तारीफ कर रही हो या मजाक उड़ा रहे हो? मुझे बनना है क्या, या मैं पागल हूँ जो मैं तुम्हारा मजाक उड़ाऊंगा? मैं तो तुम्हारी तारीफ कर रहा था। रहने दो आसमान, तुम बहुत बिगड़ गए हो, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। अरे यार, क्या कर रहे हो, कोई देख लेगा। जमाने की फिक्र नहीं मुझे अब, बस एक तमन्ना है कि तुझे जी भर कर देख। हेलो आरती, प्रतिष्ठा अब तक नहीं पहुंची है। अच्छा मैं फोन काट रही हूँ, वो आ गई। क्या हुआ प्रतिष्ठा, तुम तो सिद्धांत के घर से बहुत पहले निकल गई थी, फिर इतना टाइम कैसे लग गया? पता है तुमको आरती कितना परेशान हो रही थी तुम्हारे लिए? परेशान तो मैं हूँ मासी। क्यों, क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है? हाँ प्रॉब्लम है, मेरी तो पूरी दुनिया ही बदल गई है। तुम साफ साफ बताया क्या बोल रही हो? मासी, मैं पहले जब सिटसर से मिलती थी सब कुछ ठीक ही था, लेकिन अब जब उनके घर जाती हूँ बहुत घुटन सी होती है, ऐसा लगता है जैसे वहां से भाग जाओ। और
सबसे ज्यादा तकलीफ तो इस बात से होती है कि मम्मी अब मेरा पहले की तरह ख्याल नहीं रखती। अब तो उनकी लाइफ में मिस्टर सिद्धांत आ गए हैं। मम्मी से मिलने के लिए उनकी परमिशन लेनी पड़ती है और मम्मी जब देखो उनकी सेवा में लगी रहती है। प्रतिष्ठा, ऐसे नहीं कहते हैं, तुम्हारी सोच गलत है। वो घर तुम्हारा है, सिद्धांत तुम्हारे पापा हैं। सिद्धांत की और उस घर की हर चीज पे तुम्हारा अधिकार है बेटा। नहीं मासी, हक तो उस पे जताया जाता है जिसको हम अपना मानते हैं और वो मेरे लिए सिर्फ सिद्धांत सर हैं। वो उनका घर है, उनकी प्रॉपर्टी से, उनके रिश्तों से मुझे कोई लेना देना नहीं है। मासी, अगर मैं लाइफ में कुछ कर पाई आप लोगों के लिए तो खुद को बहुत लकी समझूंगी। आप लोगों का बहुत एहसान है मुझ पर, इतना तो कोई किसी के लिए नहीं करता जितना आप लोगों ने मेरे लिए किया है। प्रतिष्ठा, तुम्हारे मुंह से ऐसी बात सुनकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। बेटा, मैंने कभी भी तुम्हारे और आस्था के बीच कोई फर्क नहीं समझा। मेरे और भूमिका के लिए तुम और आस्था दोनों बराबर। इस घर पर, इस घर की हर चीज पर, मुझ पर तुम्हारा पूरा अधिकार है। भूमिका, आजकल के बच्चे सिर्फ दिमाग से सोचते हैं और इसीलिए रिश्तों में दरार पड़ जाती है। लेकिन बेटा, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिसे सिर्फ दिल से जिया जाता है और इसी में उनकी खूबसूरती है। सॉरी अंकल जी, अगर आपको मेरी बात का बुरा लगा हो तो, मगर मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। प्रतिष्ठा, बेटा तुम्हारे दिल में जो था तुमने कह दिया। अब तुम भी मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो और मेरी इस बात को जिंदगी भर याद रखना। बेटा, तुम सौम्य श्रीवास्तव की बेटी हो। मैं तुमसे वादा करता हूं कि तुम्हारी डोली इसी घर से उठेगी और बेटा, अगर जरूरत पड़ी ना तो मैं तुम्हारे लिए किसी से भी लड़ सकता हूं। बेटा, मेरा आशीर्वाद है तुम्हें सदा सुखी। आपने दवा खाई? क्या सोचे? तो सोच रहा हूं तुम्हारे आने से सब कुछ कितना बदल गया, मेरी जिंदगी में कैसे खुशियां लौट आई तुम्हें पता? जब तुम नहीं थी तो मैं रात रात भर इस घर में, इस कमरे में अकेला बैठा तुम्हारे बारे में सोचता रहता। मैंने तो सोचा था कि जब मैंने तुम्हें इस घर से निकाल दिया तो अब मेरी जिंदगी में सुकून होगा, खुशियां होंगी, तरक्की होगी, लेकिन सच बता, मेरी जिंदगी तन्हाई से भर गई। इस घर में वीरानी ही वीरानी थी, बहुत तन्हा हो गया था। फिर इस तन्हाई से घबरा कर मैंने तुम्हें ढूंढना शुरू किया सब जगह, लेकिन तुम कहीं नहीं मिले। फिर जब मैं परेशान हो गया तो मुझे तुम्हारी कही हुई बातें याद आई कि जो काम इंसान से नहीं बनता उसे भगवान बना देते। तुम तो जानती हो मैं शुरू से ही नास्तिक था, मंदिर नहीं जाता था। जब तुम मुझे कहीं नहीं मिली तो आखिरकार मैं मंदिर गया, भगवान के सामने हाथ जोड़े, अपनी गलती के लिए पश्चाताप किया और भगवान ने मेरी सुन ली, तुमसे मिला दी।
आपने कभी दूसरी शादी के बारे में नहीं सोचा? कैसे कर सकता, तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकती थी, कोई भी। ऐसी बातें मत कीजिए वरना मुझ में गुरूर आ जाएगा। और मैं नहीं चाहती कि हमारे रिश्ते को किसी की नजर लगे। नहीं आरती, अब किसी की नजर नहीं लगेगी। भगवान से बड़ी मुश्किलों से तुम्हें दोबारा मांगा, अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं छीन सकता, कोई भी। पता है, मैं अक्सर तुम्हारे बारे में सोचता रहता था, रात रात भर सोचता था कि तुम कहाँ होगी, किस हाल में होगी, मेरी बच्ची कैसी होगी। ऐसा लगता था कि कभी शायद दरवाजे पर बैल बजेगी और दरवाजा खोलूंगा और तुम दिखोगे। ऐसा कभी नहीं हो ना, मुझे तुम मिले और ना ही मेरी वो फूल सी बच्ची। उसका पूरा बचपन मैंने खो दिया सिर्फ और सिर्फ अपनी गलतियों की वजह से। जो भी हुआ उसे भूल जाइए। आपने भले प्रतिष्ठा का बचपन नहीं देखा पर मैं उसके किस्से सुनाऊंगी ना आपको। प्रतिष्ठा कैसी थी बचपन में, कुछ बताओ ना उसके बारे। बिल्कुल आपकी तरह हमेशा उसकी नाक पर गुस्सा रहता था। जब भी उसको देखती थी ना मुझे आपकी याद आती थी। आरती, मैंने अपनी बेटी का बचपन तो नहीं देखा, तो मुझे उसके बारे में कुछ बताओ। आपको एक किस्सा सुनाओ, जितनी गुस्से वाली वो आज है ना उतनी ही बचपन में भी थी। एक बार वो आस्था के साथ खेल रही थी तो आस्था ने उसके हाथ से चॉकलेट छीन कर खा ली और इस बात से उसने पूरा घर सर पर उठा लिया। जब तक मैंने बाजार से लाकर दूसरी चॉकलेट नहीं दी उसने घर में सबको परेशान करके रखा। और तो और उसने आस्था से 4 दिन तक बात तक नहीं की। क्या हुआ, अगर आप इस तरह करेंगे तो फिर मैं कभी आपको कुछ नहीं सुनाऊंगी। कितना बदनसीब आप हो, मेरी बच्ची मेरी आंखों के सामने थी, मुझे पता ही नहीं था कि वो मेरा अपना खून है, मेरी अपनी औलाद। जिसका बचपन मेरे हाथों में गुजरना चाहिए था वो। बोलो आस्था। क्या बात है, इतना टाइम हो गया और तुमने कॉल नहीं किया मुझे। दिल खुश हो गया। अच्छा, मुझे तकलीफ हो रही है और तुम्हारा दिल खुश हो रहा है। वो इसलिए क्योंकि जो दर्द इतने दिनों तक मैंने तुमसे दूर रहकर सहा है आज वो दर्द तुम्हें महसूस हुआ। अब बताओ मेरी जगह रहकर तुम्हें कैसा लग रहा है? सॉरी आसमान, वो मेरी भूल थी, अब मैं कितनी बार तुमसे माफी मांगू। आस्था सॉरी, मैं तुमसे माफी मंगवाना नहीं चाहता था, मैं तो बस तुम्हें छेड़ रहा था, लेकिन तुम तो सीरियस हो गई। अरे यार, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं इसलिए माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। हाँ लेकिन तुम एक बार आई लव यू कह दो, मैं सब कुछ भूल जाऊंगा। अच्छा तो तुम सिचुएशन का फायदा उठाना चाहते हो। अब एक मिनट आस्था, एक कॉल वेटिंग आ रहा है, तुम होल्ड करो, मैं तुमसे बात करता हूँ। ठीक है, लेकिन फोन पे ऑपरेशन करने मत लग जाना। हाँ हाँ बाबा, ठीक है। ओके। हाँ बोलो करिश्मा। आसमान, इतनी देर से रिंग जा रही है और तुम हो कि पता नहीं किससे बातें कर रहे थे। अरे करिश्मा, वो मैं आस्था से बात कर रहा था। अब वैसे तो मुलाकात हो नहीं पाती है, बस यूं ही चलते फिरते बात कर लेता हूँ। अब पेशेंट से फुर्सत मिलती ही नहीं है
और जब मिलती भी है तो उसके बाद भी कोई ना कोई घर बुला देता है। आइंदा से तुम्हें कभी डिस्टर्ब नहीं करूंगी, बस मैंने इसलिए फोन कर लिया कि मुझे याद नहीं था कि डिनर के बाद कौन सी टैबलेट खानी है। पर अब याद रखूंगी, कभी तुम्हें घर नहीं बुलाऊंगी। करिश्मा तुम भी ना हर बात को अपने आप पे ले लेती हो। मैं तुम्हारे बारे में बात नहीं कर रहा था। अब अच्छा एक काम करो, तुम थोड़ा होल्ड करो, मैं आस्था को बाय कह देता हूँ, फिर मैं तुमसे बात करता हूँ। ओके सॉरी आस्था, वो एक्चुअली मेरी एक पेशेंट है, उसे दवा का नाम याद नहीं आ रहा है। मैं उसे दवा का नाम बताकर तुम्हें कॉल बैक करता हूँ। मन तो नहीं कर रहा है पर जाओ, इट्स ओके, तुम एक डॉक्टर हो और ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। पर हे, जल्दी कॉल करना, ओके? हाँ हाँ श्योर, थैंक यू आस्था। हेलो, जो ब्लू वाली टैबलेट मैंने तुम्हें दी थी वो खा लो। थैंक यू आसमा, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब तुम मेरा ख्याल रखते हो। और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब तुम सारी डॉक्टरी इस पेशेंट को दिखाते हो। अरे आस्था, मैं तुम्हें अभी कॉल करता हूँ। कोई जरूरत नहीं। डॉक्टर नहीं, कंपाउंडर बन गया। हेलो करिश्मा, मैं तुमसे कल बात करता हूँ, ओके? आज तो किस्मत ने भी मेरा साथ दे दिया। क्या सही वक्त पे मैंने कॉल किया, तीर एकदम निशाने पे लगा है। अब झूला ही झूलते रहोगे या कुछ बताओगे भी? तुम्हारा मूड क्यों इतना खराब है? और आजकल तुम्हारी उस डियर नेहा का फोन भी नहीं आता। मैंने उससे दोस्ती तोड़ ली। क्या क्या बात कर रहे हो? लेकिन तुम तो उसे शादी करना चाहते थे ना? वो मेरे टाइप की नहीं। सच्ची? सच्ची? लेकिन तुम तो कह रहे थे वो तुम्हारे लिए बिल्कुल परफेक्ट है, और अचानक से क्या हो गया? बताओ ना क्या हुआ? कुछ नहीं। अरे मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, तुम मुझे बता सकते हो। चलो बताओ बताओ। वो एक्चुअली वो किसी और से शादी कर रही है। निशान, मैंने ना कल ही एक मूवी देखी, उसमें पता है क्या होता है, एक लड़का होता है, वो ट्रेन में चढ़ जाता है, फिर ट्रेन ना धीरे धीरे चलने लगती है, लड़की भागती हुई आती है तेज तेज, लड़का अपना हाथ आगे बढ़ाता है कि लड़की उसका हाथ थामेगी, मगर एंड टाइम पे ना लड़की किसी दूसरे लड़के का हाथ थाम के चली जाती है। तुम्हारा हाल भी ना कुछ वैसा ही है। हंस लो, लेकिन मुझे तो हंसी नहीं आ रही। सॉरी। लेकिन निशान, मुझे ना मुझे बहुत बुरा लग रहा है तुम्हारे लिए। कितनी मुश्किल से तुम्हें एक अच्छी खासी लड़की मिली थी और अब वो भी तुम्हारे हाथ से निकल गई। अरे क्यों हंस रहे हो? मुझे तो कोई टेंशन नहीं, अगर मुझे कोई नहीं मिली ना तो मैं तुमसे शादी कर लूंगा, बस प्रॉब्लम सॉल्व। मुझसे? और तुम्हें किसने कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ? आस्था, क्या हुआ आसमान? आस्था कैसी हो?
निशांत, तुम मुझे अब पूछ रहे हो? इतने दिन हो गए मैं वापस आई हूँ, एक बार भी मिलने नहीं आए तुम। आस्था थोड़ा बिजी था और सर हॉस्पिटल में भी थे, बस सॉरी। वैसे आसमान मूड खराब है क्या? डॉक्टर साहब जब देखो आस्था का मूड खराब कर देते हो। Don't try to act too smart, हा? बात बदलने की कोशिश मत करो तुम। अच्छा अब ये तो बताओ तुम दोनों लड़ क्यों रहे हो? आसमान से ही पूछो। मुझसे क्या पूछना, तुम ही बता दो। हेलो, करो तुम और भरो भी तुम। मुझे तमाशा करने की आदत नहीं है। मुझे भी तमाशा करने का कोई शौक नहीं है। तुम्हारी बहन ने पूछा है, तुम ही जवाब दो। मेरी बहन ने पूछा है ना, इसे जो कहना है मैं कह लूंगी। तुम्हें रिश्ता याद दिलाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम ना एक ही से अच्छे से रिश्ता निभाओ। आस्था क्यों बात को इतना खींच रही हो? अरे अरे रुक जाओ, चुप हो जाओ आप तुम दोनों। यार समझ भी नहीं आता कि ये हमेशा मुझसे नाराज क्यों रहती है। ओ हेलो, हमेशा नहीं लेकिन जब भी तुम करिश्मा के आगे पीछे घूमते हो ना तब। आस्था मैंने तुमसे कितनी बार कहा कि करिश्मा सिर्फ मेरी पेशेंट है बस। और ऐसे ही चलता रहा ना तो बहुत जल्द तुम पेशेंट बनके हॉस्पिटल में भर्ती होगी। भला मैं क्यों हॉस्पिटल में भर्ती होने लगा? मैं तुम्हारी पिटाई करूंगी ना और 10-12 हड्डियां तोड़ूंगी तब। अरे अरे यार ये तो मारने पे उतारू हो गई। अब कोई होने वाले पति के साथ ऐसी बातें करता है क्या? हाँ होने वाला पति, तुमने अगर करिश्मा का पीछा नहीं छोड़ा ना तो देख लेना, तुमसे शादी करना तो दूर मैं तुमसे बात भी नहीं करूंगी। अब तुम्हें चूज करना होगा मेरे और करिश्मा के बीच। गाइस रिलैक्स रिलैक्स हाँ रिलैक्स। हाँ तो मैं रिलैक्स ही तो हूँ, खा तोड़ी रही हूँ इसे। अच्छा ये बताओ कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे थे? वो हम कुछ ऑफिस की बातें डिस्कस करने के लिए आए थे। ऑफिस की बातें और यहाँ?